आज से कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो आईबीसी मॉड्यूल है उसको लेकर के एक वीडियो बनाया था, जो कि मेरे चैनल से पर स्ट्राइक मारकर डिलीट करवा दिया गया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आईबीसी मॉड्यूल ज्वाइन किया था और विवेक बिंद्रा जी पर विश्वास करके किया था कि ये व्यक्ति भगवत गीता के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ये व्यक्ति भगवान के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो जरूर मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और मैंने उसी बेसिस पर इनका आईबीसी मॉड्यूल ज्वाइन किया था 46,000 रुपये का, जिसमें नमस्कार दोस्तों संदीप मासरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई है। ये इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है, जहां देखो तहां संदीप मासरी वीएस विवेक बिंद्रा। क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला विवेक बिंद्रा आज स्कैम का शिकार हुए हैं? आज मेरे खास फ्रेंड्स द्वारा मुझे एक वीडियो मिला हुआ है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सही वीडियो मिला हुआ है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सर इस वीडियो से आप समझ जाएंगे क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। हालांकि बहुत पहले चल रहा था लेकिन एक्सपोज अब हुआ है और अब सारे राज खुल रहे हैं जो बहुत पहले से अंदर दबे हुए हैं। तो सही और गलत की पहचान करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें वो बंदा साफ साफ बोल रहा है कि उसके साथ क्या क्या किया गया था जब वो विवेक बिंद्रा कोर्स ले रहा था, और ये मैटर उसके साथ यहाँ तक पहुँच गया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो। तो आइए अब हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें वो बंदा साफ साफ बता रहा है। आज से कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो आईबीसी मॉड्यूल है उसको लेकर के एक वीडियो बनाया था, जो कि मेरे चैनल से पर स्ट्राइक मारकर डिलीट करवा दिया गया है। दरअसल मैंने कुछ आज से 6-7 महीने पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आईबीसी मॉड्यूल ज्वाइन किया था, और विवेक बिंद्रा जी पर विश्वास करके किया था कि ये व्यक्ति भगवत गीता के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ये व्यक्ति भगवान के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो जरूर मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और मैंने उसी बेसिस पर इनका आईबीसी मॉड्यूल ज्वाइन किया था 46,000 रुपये का, जिसमें कुछ पैसा मैंने अपना कैमरा सेल करके किया था और कुछ पैसा मैंने उधार लेकर के मैं इनका आईबीसी बना था। ठीक है, आईबीसी बनने के बाद मुझे पता चला कि 5,000 रुपये मुझे और देने पड़ेंगे ताकि मैं इनका लीड्स ले सकूं, कस्टमर्स के नंबर ले सकूं और उन्हें कॉल कर सकूं। ठीक है, लेकिन मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सेल नहीं हो पाता है, बहुत कम परसेंटेज पे सेल हो पाता है, मतलब 100 में से सिर्फ 2-3% लोग ही इनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम किसी इंसान को जबरदस्ती कोई भी चीज, जैसे क्या होता है आज मैं आईबीसी बन के परेशान हूँ, और ऐसे ही कई सारे आईबीसी ऐसे हैं जो लोग नहीं कमा पाते, जो लोग परेशान होते हैं, और ये बड़ा बिजनेस को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को भी पता है कि उनके आईबीसी कमा नहीं पाते। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं चाहूं तो मैं पैसा कमा लूं, क्योंकि मेरे 3 चैनल है और तीनों चैनल पर 50,000, 20,000, 30,000 व्यूज आते हैं। मैं चाहूं तो इनके आईबीसी मॉड्यूल को सेल कर सकता हूं, लोगों को बेच सकता हूं और पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस तरीके से मैं परेशान, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस है, जो लोग भी है वो लोग बच्चे हैं, और वो लोग अगर एक बार पैसा लगा देंगे तो वो पता नहीं कैसे कैसे लगा करके पैसा लगाएंगे, और फिर वो लोग अगर पैसा नहीं कमा पाएंगे, और डेफिनेटली बात है नहीं ही कमा पाएंगे, क्योंकि कमाने के लिए चाहिए होती है आपको सेल करने की स्किल होनी चाहिए। मैं झूठ बोल करके, मैं कस्टमर को सिर्फ ये बोल करके कि आप लगा लीजिए करके ऐसा नहीं कर सकता, और मुझे वो चीज बहुत बुरी लगती है कि मैं नहीं कर सकता। तो मैंने वीडियो बनाया था कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मैंने कोर्स लिया और मैं इनकम नहीं कर पा रहा हूँ, और इनकी कोर्सेज के बारे में जो कुछ भी मुझे अच्छा लगा बुरा लगा वो सारी मैंने बातें बोली। मेरा वीडियो हटवा दिया गया है, स्ट्राइक पड़वा दी है उन्होंने चैनल पर, इस वजह से अब मुझे बहुत मतलब एंजाइटी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है और मैं घबरा रहा हूँ। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी बड़ा बिजनेस मुझे मेरा पैसा नहीं रिटर्न करवाएगी तो मैं कुछ भी गलत कदम उठा सकता हूँ, मैं सुसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया था वो लोग मुझे पिछले 6-8 महीने से पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं, और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम में भी काम करके देख चुका हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने लीड्स पर भी थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन मुझे जब भी मैं इनके वेबिनार अटेंड करता हूँ या
कोई भी इनकी जो इतनी भी मतलब लर्निंग की क्लासेस रहती है उसमें यही सिखाते हैं कि बस कस्टमर को कैसे आईबीसी बनाना है, कैसे कस्टमर के पास पैसा नहीं हो तो उसे क्या बात बोलनी है, कस्टमर के पास टाइम नहीं है तो क्या बात करनी है। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं किसी कस्टमर को किसी इंसान को जोर जबरदस्ती करके कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो 97% लोग मना नहीं करते, सिर्फ 2 से 3% लोग ही इनका, 100 में से सिर्फ 2 से 3% लोग ही इनका कोर्स लेते हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा बेचना पड़ता है, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। तो मैं आईबीसी से तो बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया, मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है, मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिसपे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है, और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं, और इसी वजह से मैं विवेक बिंद्रा जी की टीम में भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे तो चैनल ऐसे हैं कि मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ लेकिन नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी सही नहीं लगी मुझे। और मैं बस ये चाहता हूँ, मेरी बस विवेक बिंद्रा जी से हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। अगर हुआ मेरा पैसा मिल जाने के बाद मैं वो पैसा जिसको देना था वो दे दूंगा, उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी कंपनी के लिए सेल्स भी लेकर के आऊंगा, और मेरे ऑलरेडी चैनल्स पर व्यूज आते हैं, काफी व्यूज आते हैं, जिस पर मैं आपके आईबीसी को लेकर के प्रमोट आईबीसी के प्रमोशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और सेल लेकर के आऊंगा। और फिर आपको लगेगा तो आप उसमें से मुझे कुछ परसेंटेज दीजिएगा, बाकी मैं उसके बाद भी अगर आप चाहेंगे तो मैं काम करूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी बहुत डू एंड डाई वाली सिचुएशन चल रही है, मेरी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। और मुझे जब भी मैं विवेक बिंद्रा जी के बारे में या आईबीसी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगने लगता है, बहुत ही एंजाइटी होने लगती है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी डाल दूंगा, इसमें वीडियो में भी लगा दूंगा, आप उस पर मुझे कांटेक्ट करके मुझे मेरा अमाउंट रिटर्न करने की बात करिएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करने वाला हूँ। कितना विश्वास किया था मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर, तो दोस्तों इसकी क्या है सच्चाई, इस पे क्या एक सही डिसीजन लिया जा सकता है, वो आपके हाथ में है। यार मेरे पास वर्ड नहीं, मैं क्या बोलूँ अब। दोस्तों इससे एक बात समझ में आ गया है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप शॉर्टकट ना अपनाएं, या कोई भी बंदा ऐसा शॉर्टकट ना अपनाए। हालांकि ये मानने वाली बात है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसकी पॉलिसीज पहले चेक करनी चाहिए, या आप चेक करते ही हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं, लोगों का फीडबैक भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दबाजी में वो प्रोडक्ट ले लेते हैं,
चाहे वो कोर्सेस हों, प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ें हों, और पॉलिसीज इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि आप उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन आपको उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। किसी भी कंपनी का पॉलिसीज हो, जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पर आप इतने बड़े अमाउंट पे कर रहे हैं तो आपको उसकी पॉलिसी जरूर चेक करनी चाहिए। पहले पॉलिसी चेक करें, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट कोई कोर्स बाय करें। हालांकि मैं इन भाई से बोलना चाहूंगा कि यार कोई भी देखो गलत कदम नहीं उठाना है यार, पैसे गए हैं पैसे दोबारा फिर आ जाएंगे, लेकिन ऐसे गलत कदम उठाने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, सबसे ज्यादा नुकसान आपके परिवार को होगा जिन्होंने आपको 20 से 22 साल 25 साल तक पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। उनके भी कुछ सपने हैं, उनके भी कुछ अरमान हैं। तो 25,000 50,000 लाख 2 लाख से कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन यार ये पैसे एक मिडिल क्लास एक पूरे क्लास के लिए बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वो अपने बड़े बड़े अरमान को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स डिजायर को पूरा करने के लिए ऐसे शॉर्टकट अपनाते हैं। आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं क्या सही है क्या गलत है और आप किसके साथ है, विवेक बिंद्रा या संदीप मैसरी। आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पहली बार आ चल कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही परफेक्ट वीडियो लाते रहते हैं। और अगर ऐसी कोई वीडियो मुझे मिलेंगी तो मैं आपको लिए दोबारा लाऊंगा। फिर मिलते हैं गाइस किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।